मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम सीधे पंचाचुली के पहाड़ों के नीचे। एक गाँव है मुनस्यारी, जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे हैं। कल फिलहाल मैं लोहागढ़ से सीधे मुनस्यारी आ गया था। हमारा एक ट्रिप था यहाँ से खलिया टॉप जाने का, तो फिलहाल हम रुके हैं यहाँ पर मुनस्यारी के किसी गाँव में। और यहाँ से मुनस्यारी की मार्केट 8-10 किलोमीटर हमसे थोड़ा सा आगे है। तो जैसा कि आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ टेंट बने हैं, जो रात में हम लोगों ने कल यहीं पर अपना स्टे किया। तो फिलहाल हम आज यहाँ से चढ़ेंगे खलिया टॉप, जो कि 9 किलोमीटर का ट्रैक है, और उसके ऊपर जाके हम लोग अपना टेंट वेंट लगाएंगे। हम लोग अपना ऑलरेडी टेंट कैरी करके आए हैं सब लोग। तो फिलहाल यहाँ से निकलेंगे हम सीधे खलिया टॉप की तरफ, शायद दिन के 12 बजे तक। फिलहाल अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और मेरे पीछे देखिए पंचाचुली के 5 पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे आपको, कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है सुबह का। और फिलहाल ये टेंट यहाँ पे हमने जो कल स्टे किया था, अभी अंदर जाके मैं अपने टेंट का टूर भी दूंगा आपको कि किस तरीके का था। एकदम बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी, बाहर टेम्परेचर मिनिमम 2-1 चल रहा होगा, लेकिन टेंट के अंदर फिर भी एकदम गर्म था, क्योंकि हम अपने स्लीपर बैग्स के साथ चले थे और यहाँ पे थोड़ा ब्लैंकेट की फैसिलिटी भी थी। तो फिलहाल ये व्यू का एंजॉय कीजिए और आगे अपने टेंट का टूर देता हूँ। फिलहाल कुछ इस तरीके के तंबू थे, देखो 4 तंबू यहाँ पर हैं, टेंट यहाँ पे 1, 2, 3, 4 करके। फिलहाल ऊपर का कुछ इस तरीके का व्यू था। यहाँ पे एक कॉटेज था, ये भी अभी फिलहाल लॉक है, और कुछ 3 टेंट यहाँ पे थे जिसमें से फिलहाल हम रुके थे बीच वाले में। और यहाँ से थोड़ा ऊपर एक हमारा रेस्टोरेंट था, जहाँ से हम अपना कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं खाने पीने की चीज़ें। बस सभी चीज़ें फैसिलिटी अच्छी दी गई थी यहाँ पर। और फिलहाल ये पहाड़ों का व्यू देखिए, ये पहाड़ हैं सामने और यहाँ पे हमारा टेंट है, और हम आगे पूरे एकदम बर्फीले पहाड़ देख सकते हैं। एकदम जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखने कितने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ से। अभी हमें उन्हीं पहाड़ों पे जाना है, तो देखते हैं आगे क्या कुछ होने वाला है। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरी पहली जर्नी है ये, और फिलहाल देखते हैं आगे जाके क्या होने वाला है। अभी मैं अपने टेंट का टूर देता हूँ, फिलहाल ये मेरे भाई लोग हैं फ्रेशअप करने जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं आगे टेंट का टूर। तो फिलहाल यहाँ पे वो टेंट है जहाँ पे हम रुके थे, यहाँ पे भी देखो 3 टेंट लगे पड़े हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पे फिलहाल हम रुके थे बीच वाले में, तो चलो अंदर का टूर देता हूँ तुम्हें किस तरह का था पूरा। एकदम ठंडा बिल्कुल फील ही नहीं हुआ यहाँ जाके। तो यहाँ पे 4 लोगों का स्पेस है जैसे कि तुम देख सकते हो, और फिलहाल हम रुके थे यहाँ पे 5 लोग, ये था मेरा भाई सुमित, तो हम 5 लोग रहे थे भाई। इतना कंफर्टेबल था इसके अंदर, एकदम एक भी ठंड नहीं लगी हमें। और ये स्लीपिंग थोड़ा अभी रूम मैसअप है, क्योंकि जस्ट हम लोग अभी यहाँ पे उठे हैं। फिलहाल देखते हैं अभी इसके आगे का क्या सीन होने वाला है। फिलहाल हम यहाँ से जाने वाले हैं खलिया टॉप, फिलहाल घूमेंगे मुनस्यारी की मार्केट, थोड़ा बहुत जो भी अपना सामान लेना है बनाने बुलाने का, वो सब हम अपना पूरा सामान ले लेंगे, और उसके बाद हम निकलेंगे इसीलिए खलिया टॉप की तरफ। और फिलहाल देखते हैं अपना फ्रेश अप होते हैं, ब्रेकफास्ट हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद हम जल्दी निकलते हैं यहाँ से मुनस्यारी मार्केट के लिए। तो मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट मुनस्यारी। फिलहाल मैं बाहर आ गया हूँ और मेरे पीछे पहाड़ देखिए भाई, और बाहर अंदर टेंट के अंदर थोड़ा सा ठंड से फील हो रही थी, अब बाहर देखो इतनी प्यारी सी धूप आई है ना। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा धूप सेकते सेकते अपना ब्रश व्रेस करते हैं फिलहाल यहाँ से, और उसके बाद ऑलरेडी ब्रेकफास्ट हमने ऑर्डर कर दिया है, आ गया होगा शायद जहाँ तक है। तो फिलहाल मैं ब्रश व्रेस करता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं मुनस्यारी मार्केट के लिए। हमें उसके बाद काफ़ी ऊपर जाना है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो फिलहाल जल्दी जल्दी अपना काम करने, क्योंकि बैग भी हमारे पास लगेज काफ़ी ज़्यादा है। तो देखते हैं बैग पैक करते हैं, उसके बाद निकलते हैं सीधे आगे। और मेरे सामने देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का व्यू है, ये कुछ टेंट इस तरीके से लगे गए थे यहाँ से। पहाड़ देखिए, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं ये पहाड़ देखिए। ये पूरा पंचाचुली का पहाड़ है, बोलते हैं ना 5 पहाड़ सामने है, 1, 2, 3, 4, 5। कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है मॉर्निंग का। तो फाइनली टेंट से बाहर आ चुके हैं, और ये देखो लगेज भाई, इतना सारा लगेज है, बट 3 गाड़ी है हमारे पास, और ये हमारे साथ चलने वाले सब चीज़ भाई लोग हमारे। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, पूरा लगेज रेडी है, यहाँ से हमें फिलहाल थोड़ा सा नीचे जाना है जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ हैं, तो नीचे। तो गाइस फाइनली यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट सब बैग पैक हो चुके हैं, भाई लोग आगे जा रहे हैं जैसा कि नीचे गाड़ी तक, जैसा कि आप देख सकते हैं आगे आगे चल रहे हैं। और फिलहाल ये देखो ऊपर भी हमारे काफ़ी कुछ कॉटेज थे, ये सब फिलहाल हम कल रात इस टेंट पर रुके थे यहाँ पर। काफ़ी मज़ा है, मतलब अंदर तो एक भी ठंडी नहीं थी, और बाहर काफ़ी मतलब आने के बाद थोड़ा सा बहुत ठंडा सा लग रहा था। और यहाँ पर देखो हमारे सामने ही हिमालयाज़ हैं, यहाँ पे हिमालयाज़ है, और हम यहाँ पर रुके हुए थे, ये हमारा टेंट था। फिलहाल हम यहाँ से अभी जा रहे हैं नीचे मुनस्यारी मार्केट की ओर, थोड़ा बहुत देते हैं। जैसा कि मैंने बताया मेरा बैग थोड़ा पिथौरागढ़ में रह गया था, उसमें मेरे कपड़े वगैरह थे, तो फिलहाल अभी मेरे पास कोई जैकेट नहीं है। ऊपर तो काफ़ी ठंड होगी, तो मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा कुछ अपने लिए। तो फिलहाल चलते हैं मुनस्यारी मार्केट, और उसके बाद मुनस्यारी मार्केट से आने के बाद हमें करना है 9 किलोमीटर का ट्रैक,
तो आपको वो ट्रैक दिखाऊंगा कैसा होने वाला है और काफी मजा आएगा व्लॉग में। तो चलो यहाँ से चलते हैं सीधे मुंशियारी। तो फाइनली आ गए लोकेशन पे, अपनी गाड़ी की लोकेशनों पे दिखाता हूँ। यहाँ से सभी रेडी हैं फिलहाल जाने के लिए। फिलहाल निकल रहे हैं हम यहाँ से मुंशियारी मार्केट और मार्केट का नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से। तो चलो फिलहाल निकलते हैं आगे मुंशियारी की तरफ। फिलहाल नीचे आ गया था, नंदा देवी वाली रोड है ना, तो यहाँ से आ गया था। हम पूरे ऊपर पहाड़ से आ रहे हैं, अभी इतना डाउन में आ गए, फिर भी देखो यहाँ से भी इतने सारे क्लीन पहाड़ दिख रहे हैं। और फिलहाल हम यहाँ पर रुके थे अपनी बाइक्स में तेल डालने के लिए। ये देख सकते जैसे कि तीनों गाड़ियों में तेल भरा जा रहा है यहाँ से। और फिलहाल हम तेल भरवाने के बाद सीधे यहाँ से वापस चले जाएंगे खलिया टॉप की ट्रैकिंग करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ से तेल भरवाते हैं और निकलते हैं सीधे मुंशियारी मार्केट होते हुए खलिया टॉप का ट्रैक। भाई फिलहाल मैं हूँ मुंशियारी मार्केट में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा पीछे पहाड़ देखो भाई, इतनी नीचे आ चुके हैं उसके बाद भी यहाँ पे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल मैं हूँ मुंशियारी मार्केट में और हम यहाँ से जाएंगे सीधे खलिया टॉप की तरफ थोड़ी देर के बाद। और ये देखिए यहाँ से मुंशियारी विलेज कितना खूबसूरत सा लग रहा है, बहुत प्यारी जगह है भाई, एकदम हिमालय के नीचे रह रहे हैं लोग यहाँ से। ये देखिए कुछ इस तरह के कॉटेज बनाए गए हैं यहाँ से, और सामने हिमालय देखिए और यहाँ पर लोग रह रहे हैं। एक कैमरे क्वालिटी में उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा जितना रियलिटी में दिख रहा है। और दूर से देखोगे तो वहाँ पर भी सामने भी कुछ गांव है जहाँ पर लोग रह रहे हैं जस्ट हिमालय के नीचे। इतना प्यारा सा व्यू आ रहा है यहाँ से। ये है मुंशियारी जहाँ पर फ़िलहाल अभी हम हैं, और फिलहाल हमें यहाँ से कम 9 किलोमीटर का और ऊपर चढ़ाई करनी है खलिया टॉप जिसे बोलते हैं, और मैं वहाँ पर जाता हूँ जैसे ही मैं ट्रैक स्टार्ट करूँगा फिर आपसे मिलता हूँ फिलहाल। तो गाइस फाइनली खलिया टॉप की ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। फिलहाल हम नीचे से आए हैं, देखो उस जंगलों से रास्ता दिख रहा है ना आपको, रोड दिखाई दे रही होगी सामने, ये देखो वहां से हम आए हैं। और फिलहाल यहां से 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग है ऊपर तक, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। सब लोग, दो भाई अपने पीछे चल रहे हैं और एक भाई मेरे साथ खड़ा है कमल, जैसा कि जानते हो आप। और फिलहाल यहाँ से चलते हैं, 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग हमें करनी है। काफ़ी टाइम हो चुका है, फिलहाल 2 बज चुके हैं और शाम तक हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा 3 बजे तक 4 बजे तक, तब हम अपना टेंट लगा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं वरना बहुत टाइम हो जाएगा। तो चलो और व्यू का इन्जॉय लेते रहिए। ये देखो कितने प्यारे प्यारे से लैम है यहाँ पे जंगल में, एकदम घने जंगल में। सामने का व्यू देखो भाई, ये पहाड़ अभी इससे भी बहुत ऊपर जाना है हमें, ये काफी क्लोज से दिखेगा ऊपर से हमें। तो फिलहाल ट्रैक चल रहा है अपना कंटिन्यू, देखते हैं आगे। तो गाइस फिलहाल एक दिक्कत आ गई है, अभी चाबी गिर चुकी है हमारी गाड़ी की, पता नहीं रास्ते में गिरी या रोड में गिरी, पता नहीं कहाँ चलेगी। फिलहाल फ़ोन कर रहे हैं देखते हैं, अगर मिल जाए तो अच्छा है, यार रास्ते में ना गिराओ नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमें। अब फिलहाल हमने फ़ोन किया है नीचे और उनसे पूछ रहे हैं क्या होता है कैसा होता है, देखते हैं। तो गाइस फिलहाल चाबी मिल चुकी है, स्कूटी में ही भूल गए थे हम लोग, हमने उनको फ़ोन कर दिया, वो लोग रख लेंगे, जब हम कल वापस आएंगे वहाँ से तो उनसे ले लेंगे वहाँ से। तो फिलहाल अब चलते हैं कंटिन्यू ट्रैक करते हैं अपना आगे, काफ़ी लेट भी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई, इतनी हैवी चटाई है, ऊपर से हमारे पास सामान ज़्यादा है, इस वजह से हम थक चुके हैं, ब्रेक लेते हुए जा रहे हैं यहाँ से। फिलहाल अभी हमें यहाँ से कम 6 किलोमीटर और जाना है आगे, देखते हैं। चलो चलो लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो चलो भाई फिर से ट्रैक स्टार्ट करते हैं यहाँ से जर्नी। बहुत शाम हो चुकी है, फिलहाल काफ़ी ऊपर जाना है अभी हमें।
गाइस चलते चलते प्यारी सी लोकेशन पर आ गया हूँ। यहाँ से भाई पहाड़ हिमालय का व्यू दिखाता हूँ तुम्हें, कुछ इस तरह का व्यू। भाई साहब एक नंबर व्यू आ रहा है यहाँ से, देखो एकदम क्लीन दिखा रहे हिमालय, बट ये रियल में इतना बढ़िया दिख रहा है, कैमरे में पता नहीं बट रियल में जो मज़ा आ रहा है इसको देखने में, एकदम पूरा जंगल में है, शांत माहौल, सभी रुके हैं भाई लोग यहाँ पे। और ये व्यू देखो, इससे भी ऊपर जाना है हमें, यही देखने के लिए ऊपर जा रहे हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ब्लॉक में, लास्ट तक ज़रूर देखना। फिलहाल ये चढ़ाई चढ़ने में ब्लॉक कर पाऊँ ना कर पाऊँ क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, तो मैं सीधे मिलता हूँ खलिया टॉप में। ये पांचवा ब्रेक है जब से नीचे से चले, हालत एकदम डाउन हो चुकी है क्योंकि लगेज ज़्यादा है हमारे पास, सबने एक एक लगेज कैरी करके रखा है। फिलहाल पांचों स्टॉप लेने के बाद बहुत ऊपर जाना है अभी भी, फिलहाल हमने अभी हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट करता हूँ। अभी मुंशारी से काफी ऊपर आ चुके हैं हाइट में, अभी भी यहाँ से 3-4 किलोमीटर और ट्रैक करना है हमें यहाँ से। भाई हालत तो पूरी खराब हो गई है, देख सकते हैं बैक कंधे पे, मैंने तो भैया नीचे से लाठी ले ली थी, काफी लंबा ट्रैक है, हालत पूरी खराब हो गई। और मेरे सामने का व्यू देखिए, यहाँ से हिमालय का व्यू देखिए, ये है पंचाचूली के पांच पहाड़ जिसे बोला जाता है, 1, 2, 3, 4, 5 जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और यहाँ से कितना सा खूबसूरत व्यू आ रहा है। और मेरे सामने यहाँ से गाँव दिख रहे होंगे, तो सामने भी हिमालय के लोग नीचे रह रहे हैं उस गांव में, कितना जन्नत है यहां पर आने में। और देखिए पूरा पहाड़, और फिलहाल हम नीचे से आए हैं जहां से रोड दिखाई दे रही होगी आपको, उस रोड से हम यहां तक का भी ट्रैवल कर लिया हमने। फिलहाल 2 किलोमीटर की जर्नी और है खलिया टॉप तक का, उसको कवर करते हैं और आपसे मिलता हूँ सीधे खलिया टॉप पर। तू क्या काम करेगा ऊपर जाके? सुमित लगाएगा टेंट, क्यों भाई? हाँ, बगल में उनके पास जाके टेंट उनके बगल में लगाएंगे ना, तो उनसे पूछेंगे और लकड़ियों के बारे में, सामान वामान काटने के लिए। हाँ, और बाकी जितना भी सामान है मैगी, उनके पास जुगाड़ उगाड़ तो फुल होगा वैसे, तो देखते हैं फिर क्या होता है यहाँ से ऊपर जाके। हाइट में चलो देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देंगे, इतनी ऊपर चढ़ाई चढ़ के आए हैं तो मज़ा काफ़ी आने वाला है। और सचिन को बाहर टेंट के बाहर खड़ा कर देंगे रखवाली के लिए। हाँ, ये तो हमेशा रखवाली करेगा, रखवाली भी तो करना चाहिए। हाँ, व्यू देखिए भाई यहाँ से, हम वो नीचे से आए हैं, मुंशारी नीचे है, और वहाँ पे भी देखो एक गांव दिखाई दे रहा है, हिमालय के जस्ट नीचे भी लोग रह रहे हैं, कितना खूबसूरत व्यू है यार। फाइनली खलिया टॉप पहुंच चुके हैं, अभी हमें फिलहाल खलिया टॉप के बेस कैंप में, जहां पे देख सकते हैं इतने सारे टेंट लगे हैं यहां पे, और लोगों को रहना, अगर लोग यहां पे रहना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पे फैसिलिटी भी है, तुम्हारा TRC करके आप लोग रूम पे भी रह सकते हैं। फिलहाल तो हमने अपना टेंट लगाया हुआ है यहां पे, जैसे कि दिखा सकता हूं 2 टेंट हैं हमारे, एक हमने अपना वाला टेंट लगाया है, एक उसके बगल में हमने यहां पे पर्सनली खरीदा है यहां पे, तो दोनों टेंट फिलहाल यहां पे फिक्स हो चुके हैं। और हमारे यहां पे रात को बस डिनर बनेगा, फिलहाल हमें अभी आग जलानी है यहाँ पे। और मेरे सामने का व्यू देखो भाई, इतना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, अभी तक मतलब हिमालय देखो पूरी बर्फ से छाई, अभी तो कम बर्फ है, आने वाले टाइम पे मतलब 1-2 महीने के बाद ही नीचे तक ही बर्फ पूरी आ जाएगी। Thank you.
टूट गया भाई। तो गाइस फिलहाल अभी टेंट वेंट लगाने के बाद कुछ लकड़ियां लेने आ गए थे, क्योंकि शाम का करना पड़ेगा ना पूरा, हमें सुबह तक यहाँ पर रुकना है, तो लकड़ियां बहुत जरूरी है क्योंकि काफी ठंड बढ़ चुकी है। मैंने तो जैकेट वैकेट भी डाल ली है। फिलहाल हमने कुछ इतनी सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली हैं, जैसा कि ये थोड़ा सा वहां पर है, इसे ले जाते हैं अपने बेस कैंप के वहां पे और आग वाग जलाते हैं फिलहाल। और यहां से देखो कितना प्यारा सा जंगल है, और एक व्यू देखो भाई, शाम का सनसेट होने वाला है, सामने देखो पहाड़ी कितनी प्यारी सी लग रही है। और फिलहाल लकड़ियों को टेंट में ले जाते हैं, उसके बाद आगे का सीन दिखाते हैं। तो हे गाइस फाइनली हम खलिया टॉप में पहुंच चुके थे। अभी हमें फिलहाल खलिया टॉप के बेस पे जहां पे हमने अपना टेंट लगाया हुआ है, जैसा कि आपने देखा हुआ है यहां पे, फिलहाल अभी बच चुके हैं शाम के 8 और टेंट लगाते लगाते काफ़ी टाइम हो चुका था। हमने जैसे कि यहां पे थोड़ी सी आग भी जलाई है अभी फिलहाल, और ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि सब ने अपनी हुडी पहनी है। देखो भाई मैं तो एकदम जैकेट लगा के पैक। तो कल सुबह यहाँ से मैं 4 बजे का हम ट्रैक करेंगे सभी भाई अपने यहाँ से, तो ऊपर का सनराइज दिखाऊंगा, वो आएगा हमारा कल आएगा वो ब्लॉग। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और पसंद आया हुआ तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना चैनल को। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं कल सुबह 0 पॉइंट से सनराइज के साथ।